पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान वायरल हो गई हैं। कप्तान बिस्मा मारूफ ने कहा, हम शांति प्रिय देश हैं। लोगों ने बिस्मा से कहा, आपके डीएनए में ही आतंक है। पाकिस्तान को पीस लविंग नहीं, PIECE लविंग कहा। आप शांति प्रिय नहीं, आप टुकड़े प्रिय हैं। जरा देखिए क्या है ये। अब जरा आप ये देखिए, जिनके ऊपर इस तरह के कमेंट, इस तरह के तंज, इस तरह की फप्तियां नहीं होनी चाहिए, उनको भी ये क्यों झेलना पड़ रहा है? इसलिए झेलना पड़ रहा है क्योंकि कुछ लोग हैं, वो स्टेट एक्टर्स भी हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स भी हैं, जो आतंकवाद को गुड एंड बैड में डिस्क्रिमिनेट करते हुए दूसरों की धरती पर अगर खून से लाल हो जाए वो तो उसको ठीक मानते हैं, अपने यहां हो जाए तो गलत मानते हैं, और इस वजह से ये तंज झेलने पड़ रहे हैं। दानिश कनेरिया, आपके पास एक बार फिर से मैं आ रहा हूं। डू यू बिलीव जो अभी बात कही फखर यूसुफ जई ने कि गुड सेंस विल प्रिवेल, क्या ये उम्मीद करते हैं आप, ये कंसिडर करते हुए कि TTP का खतरा है, ISI कहा जा रहा है कि तालिबान के साथ उसके उनकी चीजों में मुलव्विस है, आपको लगता है चीजें ठीक होंगी? उम्मीद कर सकते हैं और जरूर होगी ठीक चीजें, डेफिनेटली। एंड फर्स्ट मैंने वही बात की ना कि आई डोंट वांट टू गो इन ऑल दैट ऑफ अदर, जो आप बात कर रहे हैं मैं नहीं जाना चाहता हूं उसके अंदर। अच्छा, एज अ क्रिकेटर आप ये बताइए दानिश, ओके, गॉट इट दानिश, मुझे एक बात बताइए, आप एक जगह खेलने गए और आपको या आपके साथ जो मैनेजमेंट होता है उसको कई जगह से कई सारे सारी बातें सुनने को मिलती हैं। आप होटल स्टाफ के साथ बात कर रहे होते हैं, आप वहां खाना खा रहे होते हैं, कोई बैरा आके आपके साथ हेलो सर हाउ आर यू से बात शुरू होती है, कुछ बोल रहा होता है, सर हाँ यहाँ तो हालात ऐसे हैं, ये है, ये सब हो रहा होता है, लेकिन मैनेजमेंट उन बातों पर भरोसा करता है जो क्रेडिबल होती हैं, जो ऑफिशियल होती है। यूं ही कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं आ गई होगी जिसको लेकर फैसला ले लिया गया होगा? नहीं, डेफिनेटली मैं अपना वो नहीं कह रहा हूँ कि अपने जिस तरह की जो बात हुई है, न्यूजीलैंडर्स की बात को जो है रिस्पेक्ट करते हुए उन्होंने जो डिसीजन लिया, which was better for them, they made that decision. अभी आप बात कर रहे हैं ना, मैं आपको थोड़ा सी वाकया बताता हूँ। Under-19 वर्ल्ड कप हम खेलने गए थे श्रीलंका में, और हमारा होटल था, होटल के नीचे क्योंकि उस टाइम पर जरा सिक्योरिटी कंसर्न्स भी था, ये भी था, तो बहुत बड़ा एक धमाका हुआ। तो हमारा Under-19 वर्ल्ड कप हमने मिस नहीं किया, हम छोड़ के नहीं चले गए थे, हम वहाँ खेले, ठीक है ना, हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स होते तो इस तरह की चीज होती, होता ही है। बांग्लादेश की टीम न्यूजीलैंड टूर पे गई थी, वहाँ हुआ, बहुत सारी चीजें थे कि अराउंड द वर्ल्ड इफ यू सी एट द लार्जर स्केल आई नो कि जो जिस पॉइंट पर आप बात करो, जिस तरह की आप चीज कर रहे हो, ठीक है, बट ऑलवेज ये है कि आप अगर लुकिंग फॉर अ बेटरमेंट, कि अच्छी चीज के लिए, मैं किसी के पर तनकीद नहीं करता हूँ, ना मैं उंगली उठा रहा हूँ कि आज पाकिस्तान ने ये बोला, इंडिया ने ये बोल दिया, इंडिया ने ये बोला, पाकिस्तान ने बोला, ओके, ये उनके डायलॉग्स है, ये उनकी बात है, बट वी हैव टू, एज अराउंड द वर्ल्ड विल लिव, वी जस्ट वांट पीस एंड वी होप फॉर द बेस्ट टू हैपन, दैट इज द मेन मोटिव वी शुड हैव। अब जरा मैं इसको एक खेल पत्रकार की निगाहों से भी समझने की कोशिश करता हूँ। ये जो बातें कही जा रही हैं आशीष जी, ये शोएब भी कह रहे हैं कि हम तो वहाँ, अब उसमें जब क्राइस्टचर्च में धमाके हुए उसमें पाकिस्तानी भी मारे गए, या बांग्लादेश की टीम वहाँ गई खेली, या हम तो कोरोना के समय भी न्यूजीलैंड गए और खेले, आपने क्या किया, आपका थ्रेट परसेप्शन का परसेप्शन क्या है और उनका क्या है, क्या आप इसको लेकर उनको उन पर ब्लेम कर सकते हैं? भाई मुझे ये लगता है कि मैं न्यूजीलैंड कई बार गया हूँ, मुझे याद है एक बार किसी कार के नीचे एक कबूतर आके मर गया था, वो फ्रंट पेज पे चार कॉलम फोटोग्राफ थी एक कबूतर के मरने पे। तो जैसे अभी एक मेरे काबिल दोस्त ने बोला कि हम लोगों को जो थ्रेट समझ में आता है, हमें हमारा थ्रेट और उनका थ्रेट परसेप्शन बहुत फर्क है। देखिए सबसे बड़ी बात है, ये बात समझने की जरूरत है कि आज दुनिया किस निगाह से पाकिस्तान को देख रही है। अभी तक कहते थे कि भारत ही कहता रहता है, लेकिन आज सबको मालूम चल गया है कि पाकिस्तान ही है जिसने अफगानिस्तान में तालिबान को जिंदा रखा है। ये बात समझने की जरूरत है, अगर वो जिंदा ना रह पाती, बार बार बॉर्डर ना क्रॉस करती, तो हो सकता है काबुल की गवर्नमेंट ज्यादा मजबूत होती, अमेरिका जो 20 साल से अपने मिशन में है वार ऑन टेरर के, उसमें वो सक्सेसफुल होता। समझने की जरूरत ये है कि जो अभी आपके पाकिस्तानी एक हमारे दोस्त जो कह रहे थे कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो बिल्कुल आला दर्जे की है, मुझे याद है ये जो उसामा बिन लादन को मारा गया था तो वो तो बिना बताए ही आए थे और मार के चले गए थे, तो वो इंटेलिजेंस एजेंसी का मुझे नहीं पता कहाँ चली गई थी वो। और जो वहाँ पर अमेरिका के ड्रोन अटैक्स हुए हैं, लगातार हुए हैं, उसमें पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी या तो जानती नहीं है और या जान के चुप रहती है, दोनों निगाहों में नागरिकों के लिए कोई अच्छी स्थिति नहीं है। पाकिस्तान एक थ्रेट है, अपने लिए ही थ्रेट है, तो आप न्यूजीलैंड को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? यू आर ए लिविंग वायरस,
और इसमें मैं बुरे मैं दुख किससे कह रहा हूँ, मैं खुशी में नहीं कह रहा हूँ, right. पाकिस्तान में मेरे बेहतरीन दोस्त हैं और मैं कई बार पाकिस्तान जा चुका हूँ, मैं अभी भी मानता हूँ जितना मुझे पाकिस्तान में मोहब्बत मिली शायद ही कहीं मिली हो, लेकिन बात यह है कि आपको दूसरे की ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, सिमिलरली वायलेंस एंड थ्रेट लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, आपको नहीं लग रहा है कि आप खतरा है, लोगों को लग रहा है आप खतरा, क्या बात है सर, इससे बढ़िया इसका इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता और इससे बढ़िया दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो सकता। अगर आंखों की वजह से खूबसूरती होती है तो उसी व्यक्ति की आंखों में वो डर भी होता है, ये खौफ क्यों है और क्यों कहना पड़ रहा है मरियम नवाज को कि ऐसे बढ़ती है क्या पासपोर्ट की इज्जत। जरा मैं एक बार फिर से चलता हूं जीडी बख्शी साहब के पास। जीडी बख्शी साहब, तो इसका मतलब ये है कि अगर आईएसआई के इन्वॉल्वमेंट की किसी थ्रेट की वजह से वो लोग गए हैं वापस, तो क्या पाकिस्तान में एज एन इंस्टीट्यूशन, सुप्रीम कमांडिंग इंस्टीट्यूशन क्या आईएसआई है, बाकी सब उसके नीचे आते हैं? नहीं, तो इसमें क्या शक है, सुप्रीम कमांडिंग इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान की फौज है और आईएसआई उसका खुफिया हिस्सा है। किसी भी पाकिस्तानी से पूछ लीजिए, और देशों में कहा जाता है कि द कंट्री हैज़ एन आर्मी, पाकिस्तान में द आर्मी हैज़ द कंट्री, यानी एक फौज के पास एक देश है और वो पूरा देश खिदमत के लिए है उस फौज के। इनके फौजी कमांडर आलीशान बंगलों में रहते हैं, इनको सबसे बढ़िया हथियार चाहिए, लेटेस्ट हथियार चाहिए, कहाँ से आएगा पैसा इनको नहीं मालूम, लो पाकिस्तान के लोग खाना खाएं ना खाएं, गधे बेचे क्या करें, ये इनको हथियार चाहिए, टॉयज चाहिए, ठीक है साहब, और ना सिर्फ टॉयज चाहिए, उसके बाद वो उसका इस्तेमाल करके पूरे नेबरहुड को नाक में दम करके रखना चाहते हैं, सर में दर्द बने हुए हैं अपने रीजन की और दुनिया की, ठीक है साहब। कोई टेरर इंसिडेंट दुनिया भर में होता है, दुनिया में उसके तार सीधे सीधे आपको जुड़े मिलेंगे एफ पाक बॉर्डर के मदरसों से और पाकिस्तान से, पाकिस्तान की आईएसआई से ठेका ले रखा है कि फ्रांस में क्या होना चाहिए, फ्रांस में क्या कार्टून बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए, फ्रांस के सरकार को क्या करना चाहिए, ये पाकिस्तान फैसला करेगा। तो साहब अगर आप ऐसी उल जलूल हरकतें करें तो कहीं ना कहीं तो आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा, ठीक है। क्या उल जलूल हरकतें करने का खमियाजा है ये? जीडी बख्शी साहब, मैं आपके पास आता हूँ। शाहनवाज, आपका फ्रेम बीच में ब्लैक था, आपके पास नहीं आ पाया, मैं इस पर जवाब जरूर लूंगा क्योंकि आप उस समय बेचैन थे जब जीडी बख्शी साहब ये कह रहे थे, मैं आता हूँ आपके पास। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।